हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसमें हमने पढ़ा प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। देन आज हमने पढ़ा, मतलब हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पोंडेंस, देन इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। इसका जो ये फोर्थ मेथड है, इसका एक पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो मेलिंग मेथड और एक एन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो मेल कर देता है इन्फॉर्मेंट के पास क्वेश्चनियर को, तो फिर वो फिल करके वापस भेज देता है। देन एन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर लोगों को अपॉइंट, पहले ट्रेनिंग देता है, देन उन्हें अपॉइंट करता है, फिर क्या करता है उनसे, उन्हें ट्रेनिंग देता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, देन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एन्यूमरेटर्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारा मतलब क्वेश्चनियर कैसे होना चाहिए, क्वेश्चनियर और शेड्यूल कैसे होने चाहिए, उनमें मतलब क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चनियर या फिर शेड्यूल। तो जो क्वेश्चनियर और शेड्यूल में वो क्वेश्चंस जो हम सेट करते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, बस उन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि क्वेश्चनियर में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है मतलब जिसके हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो खुद इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके और इन्वेस्टिगेटर के पास भेजता है, ठीक है। क्या है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो कौन होता है, इन्फॉर्मेंट, और जो कलेक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर। तो इन्फॉर्मेंट खुद इन्फॉर्मेशन, मतलब देखो पहले इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, मेल करेगा, ठीक है, मेल किया उसने क्वेश्चनियर, देन वो क्वेश्चनियर को फिल करके और उसे वापस कर देगा। तो फिर इसमें क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन वो खुद रिकॉर्ड करता है। लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाती है बाय द इन्फॉर्मेंट, इज़ रिकॉर्डेड बाय द एन्यूमरेटर। जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट देता है तो उसको रिकॉर्ड कौन करता है, एन्यूमरेटर, मतलब क्वेश्चंस होते हैं एन्यूमरेटर उनके पास ही होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट देता है, देन एन्यूमरेटर रिकॉर्ड करता है। फिर हम पढ़ते हैं कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती है गुड क्वेश्चनियर की, ठीक है, क्वेश्चनियर या फिर शेड्यूल की। मतलब जैसे हम क्वेश्चनियर बनाते हैं तो बनाते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। देखो काफ़ी बार हमने देखा है, जैसे हमारे कॉलेजेस में या फिर कहीं हम बाहर रहते हैं तो काफ़ी बार सर्वे होता रहता है, हमें एक पेज दिया जाता है, बोलते हैं कि प्लीज़ आप इस पेज को भर दीजिए। जैसे अगर किसी भी चीज़ का सर्वे होता है, जैसे पढ़ाई का होता है, काफ़ी बार स्टडी का होता है, हम स्टूडेंट्स का सर्वे करते रहते हैं, कॉलेजेस में ज़्यादातर होता है, जो बच्चे PhD वगैरह कर रहे हैं वो लोग करते रहते हैं। जैसे उसमें होता है कि मतलब तुम कितने टाइम सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कितने आर स्टडी करते हो, ठीक है, ये सब, कितना हॉलीडेज़ कितनी होती है, और वर्किंग आर वर्किंग डेज में कितनी स्टडी करते हो, हॉलीडे वाले दिन कितनी स्टडी करते हो। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन ईयर में, इस तरह हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए अच्छे क्वेश्चन ईयर की। तो हमारा पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए और जो पर्पज़ है उसी के ही बेस पे होने चाहिए। भाई देखो, ठीक है, हमें दिखे 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन लो कर देते हैं, ठीक है, हम कर देंगे। अब दिख रहे हैं भाई 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, सब ये सोचें छोड़ना कौन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, लिमिट के होने चाहिए, ठीक है। देन सिंपलिसिटी, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आइए, नहीं हार्ड लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है। शॉर्ट नोट, नॉट सो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हो सके जितना मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किसी की, भाई मैथ्स वीक हो। ज़्यादातर ये होते हैं कि टिक वाले होते हैं या फिर वन वर्ड वाले, ये सब क्वेश्चंस होते हैं उनमें, ठीक है। देन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए क्वेश्चंस, नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, मतलब जैसे अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, जैसे पर्सनल क्वेश्चंस, जैसे कुछ भी अपने से रिलेटेड हो, कोई ना बताना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। देन नॉन कंट्रोवर्सल, विवाद का विषय, मतलब इम्पार्शलिटी वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, जिन क्वेश्चन से हमें लगे कि भाई थोड़ा फील हो, जैसे कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे हम सब भर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा जाए कि कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है, तो ये वही हो गया थोड़ा, मतलब एग्जांपल है ये, वैसे ये हम पूछ सकते हैं,
बट इम्पार्शियलिटी वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. देन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जितना हो सके हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है. देन सेवेंथ इज़ प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे. इसमें क्या होता है कि मतलब पहले से ही हमने मतलब क्वेश्चनियर बनाया तो उन्हें पहले इन्फॉर्मेंट से ट्रायल बेस लेना चाहिए, एक दो इन्फॉर्मेंट से ट्रायल लेना चाहिए ताकि इनसे पता लग जाए. इसे टेस्ट टाइप का हो जाता है कि भाई उनको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो हम उसमें चेंज कर दें. तो ये प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे होता है. देन इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चनियर में इंस्ट्रक्शन दी होनी चाहिए, ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि कैसे फिल करना है, क्या करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन दी होनी चाहिए. देन नाइन्थ इज क्रॉस वेरिफिकेशन. सच क्वेश्चन में आस्क विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है. तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकती है. देन रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, हमें उसमें मतलब क्वेश्चनियर में ही नोट डाल के या फिर कैसे भी रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न करनी, मतलब उसमें लिखा होना चाहिए कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई ये वापस कर देना, ठीक है. तो हम अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स है ये. जैसे अल्टरनेटिव क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, जैसे कि डू यू हैव अ कार, देन यस और नो. अगर ये भी डाल सकते हैं, अगर है, इफ़ यस देन कौन सी है, ठीक है, ये डाल सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन इजीली कोई भी कर देगा, यस पे टिक करना, नो पे, या फिर लिख भी देगा कोई भी, ठीक है. देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, जैसे कौन सा मोड यूज़ करते हो आप अगर होम से कॉलेज जाते हो तो, ठीक है. तो ऑन फुट, बाय साइकिल, बाय बस, बाय स्कूटर, तो कोई भी हम टिक कर दें जैसे हम जाते हैं, ठीक है. देन स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, तो हमें सीधा लिखना है. हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट, तो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है. तो ये ऐसे बिल्कुल मतलब सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए ताकि इंटरेस्टिंग सा बनाना चाहिए, ताकि सब अच्छे से मतलब मन लगा के फिल करे और सही इन्फॉर्मेशन डाले, ठीक है फ्रेंड्स. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. अब हमारी बस एक वीडियो बची है इस वाले चैप्टर पे, चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा. ये सब हमने जो पढ़ा ये था प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स. अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा को. इसके दो सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड. ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.